स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापा मारकर 43 लाख रुपए की शराब पकड़ी। सूरत जिला के तराज गांव में से शराब भरी ट्रक पकड़ी गई। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद यहां इसका अमल ना के बराबर है। सूरत शहर की बात करें तो यहां पर शराब का दूषण पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब सूरत जिला के तराज गांव में एक फार्म के पास स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने छापा मारा। मौके पर से एक ट्रक बरामद किया गया है। ट्रक के अंदर से 28 लाख रुपए की शराब, ट्रक और अन्य सामग्री समेत कुल 43 लाख रुपयों का मुद्दा माल जब्त किया गया है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, लेकिन कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया, जिससे सवाल ये उठने लगे हैं कि शराब भरी ट्रक यहां लावारिस छोड़कर आरोपी फरार हो गए या फिर पुलिस को देखकर आरोपी फरार होने में सफल हो गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।